हेलो गाइस, आई एम सुमित और आज हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन। हम ग्रेविटेशन के दो वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ग्रेविटेशन खत्म हो जाए। तो अभी तक हमने भाई ग्रेविटेशन के बारे में हमने पढ़ा है, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, उसके कारण जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल होता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने अभी तक सैटेलाइट्स की बात नहीं करी है। हमने ये बात नहीं करी कि भाई सैटेलाइट पर जो फोर्स लगता है, जो सैटेलाइट का मोशन होता है, ऑल्दो हमने केपलर्स लॉ मतलब की बात करी थी, लेकिन हमने ये बात नहीं करी है कि भाई सैटेलाइट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, सैटेलाइट क्या होती हैं, सैटेलाइट क्या होती हैं तो ऑल तो मालूम है, सैटेलाइट की एनर्जी कितनी होती है, ये सारी बात नहीं करी है। तो आज हम थोड़ा सा सैटेलाइट पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं सैटेलाइट्स की बात करूँ, लेट अस कंटिन्यू आवर सीरीज अराउंड फिजिकल फिजिक्स, ठीक है। इसके पहले मैं सैटेलाइट्स की बात करूँ भाई, हम ग्रेविटेशनल वेरिएशन ऑफ वैल्यू जी की बात करना चाहता हूँ मैं, स्मॉल जी की। स्मॉल जी कितना होता है? स्मॉल जी अगर मैं लिखूं तो जी एम बाय आर स्क्वायर होता है, राइट। अब अगर मान लीजिए सिर्फ जी एम बाय आर स्क्वायर में लिखूं, ठीक है, इसका वेरिएशन आप देखो किस किस चीज़ से हो सकता है। इसका वेरिएशन हो सकता है एक तो जी, लेकिन जी तो कांस्टेंट है, कैपिटल जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसका वेरिएशन हो सकता है एम से, एम इज लेकिन मास ऑफ अर्थ, ये भी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 6 × 10^24 kg के बराबर। इसका वेरिएशन तीसरा हो सकता है जी एम बाई आर स्क्वायर आर के साथ, ठीक है। अगर मैं लिखूं आर प्लस एच का होल स्क्वायर, व्हाट इज आर? आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, व्हाट इज एच? वो अगर ये रेडियस ऑफ अर्थ है तो इससे कितनी हाइट पे, मान लीजिए अगर हाइट बहुत ज़्यादा है तो हमको कंसीडर करना पड़ेगी। अभी तो अगर बहुत छोटी छोटी हाइट होती तो हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस और रेडियस ऑफ अर्थ के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस रहता है कि वो नेग्लिजिबल हो जाता है। मान लीजिए हाइट ज़्यादा है तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा, वो आर ई प्लस एच स्क्वायर होगा, तो एक वेरिएशन तो ये हो गया। तो अगर जब आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा, अगर मैं इसमें से आर को कॉमन ले लूँ, ठीक है, मैं आर को कॉमन ले रहा हूँ इसमें से, अगर जैसे ही मैं आर को कॉमन लूँगा, बाहर लूँगा, तो मेरा जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1 + h/r का होल स्क्वायर, ठीक बात है। तो दिस इज आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, जी एम ई बाई आर स्क्वायर क्या हो गया आपका, जो जी 9.81 मीटर स्क्वायर, उसको मैं फिलहाल जी नॉट बोल दे रहा हूँ, राइट, उसको फिलहाल मैं जी नॉट बोल दे रहा हूँ। इसको लिख सकता हूँ 1 + h/r का की पावर -2 ऊपर लिख रहा हूँ, और जब बाइनोमियल लगाऊंगा तो 1 − 2 h/r, ठीक है। और आगे के टर्म्स हो जाएंगे वो स्क्वायर में, स्क्वायर के टर्म्स में, तो उसमें एच बाई आर की वैल्यू वैसी नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो जी नॉट इज इक्वल टू 1 − 2 h/r, दिस इज वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू हाइट, ठीक है। ये भी आप फॉर्मूलेज आपको याद ही करने, क्योंकि आप बार बार वहाँ पर बाइनोमियल तो लगाओगे नहीं, लगा सकते हो तो इट्स वेरी गुड, राइट। ये कब है? अगर इफ एच इज लेस देन आर, तभी तो आपने बाइनोमियल के आगे वाले टर्म नेग्लेक्ट कर दिए। और अगर एच इज नॉट वेरी वेरी लेस देन आर, तब तो ओरिजिनल फॉर्मूले लगाना पड़ेगा कि जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, राइट। अब डेप्थ के साथ ले लो, मान लो अभी तो आप हाइट पे गए, अब कई बार आप खुद के अंदर भी तो जाओगे, तो डेप्थ के साथ क्या वेरिएशन होगा? डेप्थ के साथ वेरिएशन क्या होगा? डेप्थ के साथ भी आप सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे, डेप्थ के साथ भी आप सेम वेरिएशन लगाओगे। डेप्थ के साथ जब आप वेरिएशन लगाओगे तो उसका फाइनल आएगा जी नॉट इंटू 1 − h/r, ठीक है। वो था जी नॉट इंटू 1 − 2 h/r, और डेप्थ के केस में होता है, मान लीजिए आप एच डेप्थ पे गए तो −h/r, ठीक है। दिस यू हैव टू रिमेंबर अगेन। नाउ ड्यू टू रोटेशन, ठीक है, एक हो गया डेप्थ के घर। आप बोलोगे रोटेशन पे तो जी एम बाय आर स्क्वायर में रोटेशन का तो कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है सर, रोटेशन से तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। इफेक्ट पड़ता है, कैसे पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका मास एम यहाँ पर रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम जूम करके कोशिश करते हैं बताने की। मास यहाँ पर रखा हुआ है, इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इसमें जो ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू एम इंटू जी, राइट। अब इस पर एक और फोर्स लग रहा है, चूँकि ये अपनी ही एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट भी होती है, अर्थ होती है ना, रिवॉल्व भी होती है और रोटेट भी होती है, रोटेट होती है, तो रोटेशन के कारण एक फोर्स लग रहा होगा, स्यूडो फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अब मैं अर्थ पे बैठ के ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अर्थ पे ही बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, और अर्थ के पर बैठ के ही इस मोशन को एनालाइज कर रहा हूँ, तो एक सूडो फोर्स लगेगा, क्योंकि वही रोटेट हो रहा है, मतलब कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेटेड बॉडी है, मतलब मैं एक ऐसे फ्रेम में बैठा हूँ जिसमें एक्सेलरेशन है, तो उस केस में एक सूडो फोर्स लगता है, तो मैंने एम ओमेगा स्क्वायर आर एक सूडो फोर्स लगा दिया है, राइट। ये हमने बात भी करी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सर्कुलर मोशन में, तो अगर आपको अभी नहीं ये ध्यान आ रहा है तो आप पहले वो लेक्चर देखिए।
तो इस पर एक एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लग रहा है। तो अब इसके कारण क्या हो रहा है, इस कम्पो अगर मैं इस एम इसका कंपोनेंट लूँ एम ओमेगा स्क्वायर आर का, तो ये रेड लाइंस इस एम ओमेगा स्क्वायर आर का कंपोनेंट्स है। तो आप देखो एक कंपोनेंट इज एक्टिंग ऑपोजिट टू एम जी, राइट, ये एक कंपोनेंट इज एक्टिंग ऑपोजिट टू एम जी, तो इसके कारण मतलब एम जी की कुछ वैल्यू कम हो रही है, तो मतलब कुछ अपेरेंट वैल्यू कम हो रही है। ऑल दो ग्रेविटेशन के कारण तो एम जी लग रहा है, लेकिन कुछ वैल्यू कम हो रही है रोटेशन के कारण भी। तो जो वैल्यू, जो नई वैल्यू अगर मैं जी डैश बोल लूँ, दैट विल बी इक्वल टू जी भाई एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा साइन थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो जी डैश की वैल्यू हो जाएगी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, दिस विल बी वैल्यू ऑफ जी डैश इन केस ऑफ रोटेशन। अगर रोटेशन आप कंसिडर कर रहे हो तो उसके कारण जी पे जो इफेक्ट आएगा, वेरिएशन आएगा, वो हमने देख लिया है। अब जो अर्थ होता है, हमने जैसे ये जो डेरिवेशन करा, ठीक है, या हमने अभी तक जो भी करा था, हमने ये मान के चल रहे हैं कि अर्थ स्फीयर है, लेकिन असली में अर्थ स्फीयर नहीं होता है। असली में अर्थ का जो शेप होता है वो जियोइड होता है, ठीक है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली स्फीयर। और दूसरी बात क्या है, हम ये भी मान के चल रहे हैं इस केस में कि जो अर्थ की डेंसिटी है वो हर पॉइंट पे बराबर है, लेकिन असली में ऐसा होता नहीं है, असली में अर्थ नॉन यूनिफॉर्म भी है, राइट, स्फीयर नहीं है और नॉन यूनिफॉर्म भी है, उसका असली शेप जियोइड है। तो इसके कारण क्या होता है, इस हमारे अजम्पशन जो हमने लिया उसके हिसाब से तो जी हर जगह सेम है, लेकिन असलियत में ऐसा होता है ड्यू टू नॉन स्फीयरिसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्मिटी। तो जी जो पोल्स पे होती है, पोल पे होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, वो वैल्यू ज़्यादा होती है इक्वेटर से, ठीक है। मतलब पोल पे अगर आपका मास, आपका वेट 20 kg है, तो इक्वेटर पर आपका वेट 20 kg से कम आएगा, बिकॉज एम जी एट पोल विल बी ग्रेटर देन एम जी एट इक्वेटर, ठीक है। वाई? बिकॉज ऑफ नॉन स्फीयरिसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ अर्थ। भाई ये तो बात हो गई अर्थ की, और अर्थ के आसपास जो जी की वैल्यू होती है उसकी। अब बात करते हैं हम प्लैनेट्स की, सैटेलाइट्स की, और सैटेलाइट के ऑर्बिट की, ठीक है। तो सैटेलाइट क्या होती है, ये ऐसी कुछ होती है सैटेलाइट, आप देख ही रहे हो, हम बात कर भी चुके हैं सैटेलाइट की। तो सैटेलाइट जब होती है वो अर्थ के आसपास घूमती है किसी ऑर्बिट में, राइट, ये ब्लू कलर मान लीजिए ऑर्बिट है, किसी ऑर्बिट में घूमती है। तो जिस ऑर्बिट में घूमती है उस सैटेलाइट की कुछ वेलोसिटी होती होगी, राइट, वो वेलोसिटी क्या होती है, उस वेलोसिटी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, एंड दैट ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर, जहाँ पर आर होगा वो डिस्टेंस, ठीक है, आर विल बी दिस डिस्टेंस, आर इज नॉट रेडियस ऑफ अर्थ, आर इज दैट डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। अब टाइम पीरियड क्या होगा सैटेलाइट का, टाइम पीरियड क्या होगा भाई, टाइम पीरियड तो होगा जैसे ये ऑर्बिट है, यहाँ से चालू करी उसने, तो एक पूरे ऑसिलेशन में, एक पूरे चक्कर में, एक पूरे सर्कुलर मोशन में वो कितना, ठीक है, कितने टाइम में कवर कर रहा है, वो टाइम पीरियड हो गया। तो कितने टाइम में कर रहा है, टाइम, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितनी है 2 pi, अगर इसकी a है मान लीजिए ऑर्बिट, तो डिस्टेंस कितना है 2 pi a, वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर लिखिए r की जगह आप a सब्सटीट्यूट कर दो, अंडर रूट जी एम बाय अंडर रूट a, तो अंडर रूट a लिखोगे तो a रूट a क्या हो गया, a की पावर 3/2 लिख सकता हूँ मैं, ये हो गया इसका टाइम पीरियड। नाउ टाइम पीरियड हो गया ये, अब टाइम पीरियड क्या आया था, ए की पावर 3/2 था यहाँ पर, इसका स्क्वायर करो टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू, प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, केपलर का तीसरा लॉ भी देखो यहाँ से आ गया, केपलर ने जो दिया था टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यू, वो भी आ गया। नाउ व्हाट इज एनर्जी इन सैटेलाइट, एनर्जी क्या होता है किसी भी चीज़ की, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर, एम क्या है मास ऑफ सैटेलाइट, वी क्या है, वी क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पर जी क्या था ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एम क्या था मास ऑफ अर्थ, आर क्या था डिस्टेंस बिटवीन वो सेंटर ऑफ अर्थ और जो आपका सैटेलाइट था। तो ये काइनेटिक एनर्जी तो क्लियर है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी क्या होती है हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, माइनस जी एम एम बाय आर, एम है मास ऑफ सैटेलाइट, कैपिटल एम है मास ऑफ अर्थ, आर क्या है डिस्टेंस बिटवीन देम, और बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और आपका जो फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो ये आ जाएगी,
माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टू आर, दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। नाउ अब सैटेलाइट भी अलग अलग टाइप की होती है, आर्टिफिशियल और नेचुरल तो हम देख चुके हैं। सैटेलाइट का एक टाइप होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई, रुका हुआ, ठीक है। आप बोलते हो ना कि बॉडी स्टेशनरी है, ठीक है, तो मतलब रुकी हुई। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में वो बॉडी, वो सैटेलाइट रुकी हुई रहती है। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, दिस इज अर्थ, और ये सैटेलाइट ऐसे इस ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ये सैटेलाइट रेस्ट पे, इसकी ऑफकोर्स कुछ वेलोसिटी है इस वेलोसिटी के बराबर। आप बोलोगे तो फिर रेस्ट पे कैसे? रिलेटिव मोशन देखो आप, इसका जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स है, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है सैटेलाइट का वो 24 आवर्स है, मतलब वो 24 घंटे में घूम के वापस इस पोजीशन पे आ जाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि अर्थ भी 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट करती है, तो मतलब अर्थ भी 24 घंटे में ऐसे रोटेट होती है। तो ये भी रोटेट हो रही है, अर्थ भी रोटेट हो रही है। तो रेड कलर से देखिएगा जो मैं बना रहा हूँ, अर्थ पे जो ये पॉइंट है ये रोटेट होके, जो इस सैटेलाइट के जस्ट नीचे वाला पॉइंट है अर्थ पे, ये रोटेट होके 24 घंटे में वापस यहाँ आ रहा है, और ये भी ऐसे रोटेट हो रही है कि 24 घंटे में वापस यहाँ पर आ रही है। इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं, इसलिए ये सैटेलाइट को बोल देते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, राइट। तो दिस इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब मूविंग ऑन, एस्केप वेलोसिटी, नाम से समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ को उसको भागना है, एस्केप करना है, राइट। किसको? तो जैसे ये रॉकेट है, इसको किसी चीज़ को, किसी चीज़ से भागना है, एस्केप करना है। किससे एस्केप करना है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करना है। भाई जो अर्थ है वो भी कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड लगा रही होगी आसपास की बॉडीज पे, ठीक बात है ना। हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी लगता है, पहले फील्ड डेवलप होती है और कोई बॉडी उसमें रहती है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो अगर इसको इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना है तो मतलब इसको आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट उतना काम कर पाए, उतना वर्क कर पाए। तो वो एनर्जी आप कैसे देते हो भाई? आप कोई वो तो हो नहीं कि एनर्जी ट्रांसफ़र कर दो, वो एनर्जी की फॉर्म दी जाती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। आप भाई इसकी इतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दो, इतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दो कि ये इससे बाहर चले जाए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ाओगे? वेलोसिटी बढ़ा के। तो एस्केप वेलोसिटी वही वेलोसिटी होती है कि अगर आपने एस्केप वेलोसिटी किसी चीज़ को दे दी सरफेस पे, तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाएगा, अर्थ के जो ग्रेविटेशन का इन्फ्लुएंस है उससे बाहर चले जाएगा। दैट वेलोसिटी इज अंडर रूट 2gm/r, राइट। दिस वेलोसिटी इज अंडर रूट 2gm/r। अब ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये आया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। आप इस, आप जो अर्थ पे जो काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो सैटेलाइट को, दैट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम पे, उन दोनों को ऐड करके इक्वेट कर दो आप अर्थ के बाहर। जैसी ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर गई, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई ज़ीरो, और हम ये एस्केप वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, मतलब दिस इज मिनिमम वेलोसिटी जो आप दे रहे हो, इससे ज़्यादा दोगे तो बाहर ही जाएगी। तो मतलब आप बस इतनी वेलोसिटी दे रहे हो कि ये इससे बाहर पहुंच जाए, उसके बाद रुक, मतलब जैसे ही बाहर पहुंची वैसे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो, यहाँ पर ये वेलोसिटी भी ज़ीरो। तो वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो नीचे है उसको अगर ज़ीरो से इक्वेट कर दोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। नाउ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी, जो gm/r के बराबर होता है। हम देख चुके हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारी जगहों पे ब्लैक होल, ब्लैक होल, ब्लैक होल सुनते हैं। तो ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल कुछ नहीं होता, ब्लैक होल बहुत डेंस मास ऑफ डेंस, बहुत ज़्यादा डेंस मास होता है, कोई होल नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा डेंस मास होता है। तो मास बहुत डेंस है, उसका जो मास होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। जैसे अर्थ है, आप ये इमेजिन करो जितना अर्थ का मास है वो आपकी उंगली में रख दिया जाए, वो आपके हाथ में रख दिया जाए, पूरी अर्थ छोटी करके, ठीक है, उसकी वॉल्यूम कम कर रहे हो आप, उसका मास कम नहीं कर रहे हो, वो आपके हाथ में रखते हो तो वो कितना भारी होगा, ठीक है। तो जब इतना ज़्यादा डेंस मास होता है ना, मास बहुत ज़्यादा है, तो उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसी ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ब्लैक होल। वो इतना ज़्यादा होता है उसका मास कि जो उसकी एस्केप वेलोसिटी होती है, भाई एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? अंडर रूट 2gm/r। तो ये जो वैल्यू आएगी, दिस विल, देखो रूट 2gm/r है ना, तो मास इज़ वेरी हाई,
ठीक है, और वॉल्यूम कम हो गई, रेडियस इज़ वेरी लो, तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब ये वैल्यू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड से ज़्यादा हो जाती है, व्हाट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड? स्पीड ऑफ लाइट। ये जब स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, तो भाई लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती है उसके ग्रेविटेशनल फील्ड को, लाइट भी खिंच जाती है, लाइट के पार्टिकल्स भी खिंच जाते हैं। तो इसलिए ब्लैक होल को ब्लैक होल बोलते हैं कि भाई लाइट जिस चीज़ से बाहर ही नहीं आ रही है, तो वो एक लाइट ही नहीं आ रही है उस चीज़ से बाहर, तो मतलब आप देख ही नहीं पा रहे हो ना उस चीज़ को, लाइट जब बाहर आएगी तो देखोगे, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लैक होल। वो लाइट को भी अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट होता है कि उसकी एस्केप वेलोसिटी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। दैट्स इट गाइस फॉर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में इतना ही था, ग्रेविटेशन हमने पूरा कंप्लीटली कवर कर लिया। ग्रेविटेशन इज़ बेसिकली ठीक है, कॉन्सेप्ट तो है ही, लेकिन आई वुड से कि थोड़ा फॉर्मूले ज़्यादा है, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक ज़्यादा है थोड़ा, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आनी चाहिए, लेकिन फॉर्मूले काफ़ी हैं, अगर फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हैं तो टॉपिक काफ़ी अच्छे से भी बन सकता है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर ग्रेविटी। गो एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर और एचसीएल आप सॉल्व कर लीजिए, बाकी विल डिस्कस सम अदर, विल कंटिन्यू विद सम अदर टॉपिक इन आर इन दिस सीरीज ऑफ ऑफिशियली फिजिक्स। अगले वीडियो में ग्रेविटेशन अब खत्म हो गया है। थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।